भारत में संक्रमितों की संख्या 18,985 हुई, अब तक 603 की मौत। आगरा में 23 दिन का मासूम कोरोना संक्रमित, पीपीई किट पहनकर मां कर रही है देखभाल। सीएम केजरीवाल का बड़ा ऐलान, दिल्ली में पत्रकारों का होगा मुफ्त कोरोना टेस्ट। लखनऊ से बड़ी राहत, लखनऊ में हॉटस्पॉट घोषित होने के बाद कई क्षेत्रों में कोई नया मरीज नहीं। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कोरोना योद्धाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है, कोरोना योद्धाओं को मिलेगा शहीद का दर्जा, राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। मरीजों की ठीक होने की दर 17.48%, केस दोगुना होने की रफ्तार भी घटी। बिहार में कोरोना योद्धा के साथ बसलोकी, लॉकडाउन पास मांगने पर अधिकारियों ने लगाई उठक बैठक। अमेरिकी अधिकारी ने दावा किया है कि उत्तर कोरिया के सनकी तानाशाह किम जोंग उन की हालत सर्जरी के बाद नाजुक बनी हुई है, ब्रेन डेड की अटकलें लगाई जा रही हैं। महामारी की मार से कच्चे तेल का भाव शून्य डॉलर से भी नीचे, लुढ़का पहली बार सबसे बड़ी गिरावट। पालघर में साधुओं की पीट पीट कर हत्या पर भड़की रवीना टंडन, रवि किशन ने भी जताई नाराजगी।